नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज कौन क्लच के बारे में जानेंगे, कौन क्लच कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, व्हाट इज कौन क्लच। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कौन क्लच संबंधी डिटेल्स आप गेन कर सकें। तो व्हाट इज कौन क्लच, कौन क्लच, क्योंकि जो एक क्लच होता है, इसका जो शेप होता है, ये हमारा कॉनिकल शेप होता है, इसलिए इसको हम कौन क्लच बोलते हैं। तो द कौन क्लच इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्लच विच हैज कौन शेप्ड फ्रिक्शनल एरिया, मींस जहां पे हमारा मेल एंड फीमेल ये कांटेक्ट में आता है, मींस इनर एंड आउटर कौन जब इसके कांटेक्ट में आता है, तो इसका जो फ्रिक्शनल एरिया होता है, सरफेस होता है, वो किस आकार में होता है, कौन के शेप में होता है, कॉनिकल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कौन क्लच। दीज टाइप ऑफ क्लच आर मोस्टली यूज्ड इन रेसिंग बोट्स, एपिसाइक्लिक एंड सिंक्रोमैस गियर बॉक्स। तो एपिसाइक्लिक एंड सिंक्रोमैस गियर बॉक्स में और रेसिंग बोट में एंड हैवी मशीन्स में कौन क्लच का उपयोग किया जाता है। इट वर्क्स सिमिलर टू प्लेट एंड डिस्क क्लच, ये जो है यह काम करता है सिमिलर टू प्लेट एंड डिस्क क्लच के जैसे ही। अब इसके जो मेजर पार्ट्स हैं एंड एप्लीकेशंस हैं, पार्ट्स एंड एप्लीकेशंस देखेंगे तो इंजन एंड क्लच शाफ्ट, जो इसके मेन पार्ट्स हैं, दो शाफ्ट होंगी, एक होगी इंजन शाफ्ट जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है, तो इस पे हमारी फ्लाईव्हील होती है और आउटर कोन माउंट होती है। तो इंजन शाफ्ट हो गई, और एक होती है क्लच शाफ्ट, जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इंजन शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होकर क्लच शाफ्ट पे जाता है और इसके बाद गियर बॉक्स के थ्रू आपकी व्हील्स पे पहुंचता है। इनर कोन, इनर कोन को फीमेल भी बोलते हैं एंड सॉरी इनर जो कोन है इसको मेल बोला जाता है, आउटर कोन को फीमेल बोला जाता है। तो यहां पे हमारी एक इनर कोन है और एक आउटर कोन है। इसके बाद फ्रिक्शनल फ्रिक्शन लाइनिंग, जो आपकी इनर कोन से इस पे क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है, जो कि आपकी ब्लैक कलर में डार्क में दिखाई हुई है डायग्राम में, फ्रिक्शन लाइनिंग। ये क्या होता है, रफ सरफेस होता है और जब ये हमारा इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके साथ ये पूरा सिस्टम हमारा रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। क्लच पैडल, क्लच पैडल इज प्रेस्ड बाय ड्राइवर ड्यूरिंग एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग। तो दोस्तों, जो क्लच पैडल होता है, इस पर ड्राइवर अपने पैर से क्या करता है, इसको प्रेस करता है, तो प्रेस करने से क्या होता है, ये डिसएंगेज हो जाता है। ठीक, तो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कौन क्लच। अभी कैसे काम करता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद स्प्लेनेस होती है और इसके बाद हमारा जो है क्लच पैडल का लीवर है जो एक पिवोट से कनेक्ट होता है, और इसके जो स्प्लेनेस है इसके एंड पे क्या है, इनर कोन है जिसको हम मेल बोलते हैं। तो क्या होता है कि अभी जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है एंगेज कंडीशन में दिखाया गया है, इसकी जो पोजीशन है एंगेज में है, एंगेज पोजीशन है, इसका मतलब है आपका यदि इंजन स्टार्ट है तो आपकी क्लच शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट करेगी, घूमेगी, क्योंकि ये एंगेज कंडीशंस में है, मेल एंड फीमेल बोथ आर कॉन्टेक्ट वन टू इन अदर एंड रोटेट ऑन वन यूनिट, एक यूनिट में घूमेंगी। लेकिन वेन वी प्रेस अ ब्रेक पैडल, जब हम सॉरी क्लच पैडल को जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो जो हमारा मेल है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा किससे, फीमेल से,
या डिस्कनेक्ट हो जाएगा किससे, आउटर कोन से। और जैसे ये आउटर कोन से डिस्कनेक्ट होगा, हम आसानी से गैस वगैरह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, स्मूथली गियर को हम चेंज कर लेंगे, या हम अदर्स कोई वर्क के लिए हमको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, क्योंकि पैडल जैसे आप प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने पे ये हमारा बाहर की ओर मूव होगा पूरा जो इनर कोन है, और स्प्रिंग जो हैंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो इस कंडीशंस में ये हमारा क्या होता है, डिसएंगेज हो जाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम क्लिच पैडल के लिए रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्लिच पैडल को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होंगे, एक्सपांशन की कंडीशन में डिजाइन किए जाते हैं, तो ये क्या होगा, वापस स्प्रिंग फोर्स के कारण जो हमारा इनर कोन है ये मूव करेगा किसमें, आउटर कोन की ओर, और ये इसके कांटेक्ट में आएगा फ्रिक्शन लाइनिंग रफ सरफेस, तो इसके साथ फिर घूमने लगेगा, तो वापस एक किस पोजीशन में आ जाएगा, एंगेज पोजीशन में आ जाएगा। तो अक्सर जो क्लच होते हैं इसको हम डिस एंगेज करने के लिए हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं, या जो हाथ वाला लीवर होता है इसको हम प्रेस करते हैं, किसके लिए, डिस एंगेज करने के लिए। जब हम डिस एंगेज करें, गाड़ी का गियर शिफ्ट करें, गियर को चेंज करें, या गाड़ी को हमको रोकना है, तो आपका इंजन तो स्टार्ट रहेगा लेकिन व्हीकल स्टॉप हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रल में आ जाएगी। ठीक, इसके बाद जैसे आप पैडल को प्रेस करते हो तो ये इनर कोन बाहर जाएगी, ये डिस्कनेक्ट होगा, और आपका जो क्लच शाफ्ट है ये घूमना बंद कर देगी, और जो आपकी इंजन शाफ्ट है वो रोटेट होती रहती है। तो दिस टाइप ऑफ वर्क वाई कोन क्लच। अब दोस्तों, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कोन क्लच। एडवांटेजेस में सबसे पहले, इट क्रिएट लेस नॉइस। ये जो कोन क्लच होता है ये कम नॉइस को प्रोड्यूस करता है एच कंपेयर टू प्लेट क्लच, लेस बियर एंड टियर एच कंपेयर टू अदर क्लचेस, मींस दूसरे क्लच की अपेक्षा सापेक्ष जो कोन क्लच होता है ये हमारा कम नॉइस जनरेट करता है, और इसकी जो टूट फूट होती है ये क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है, डिजाइन इसकी सिंपल होती है। इसके अलावा फोर्थ एडवांटेजेस है, हायर टॉर्क कैन बी ट्रांसफर्ड देन द सेम साइज ऑफ द प्लट क्लच। यदि हम सेम साइज के प्लट प्लेट क्लच की बात करें तो उसकी अपेक्षा जो कॉन क्लच है ये हायर टॉर्क के लिए क्या करता है, ट्रांसमिट कर सकता है। इसके बाद लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द क्लच। जो ड्राइवर द्वारा क्लच पैडल को प्रेस किया जाता है तो ये जो फोर्स है, एफर्ट है, ये हमारी कोन क्लच में क्या होती है, बहुत कम लगाना पड़ती है, लेस एफर्ट इसमें अप्लाई होती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड इन पावर रेसिंग बोट्स एंड रैलिंग व्हीकल्स, हैवी मशीन फॉर हाई टॉर्क ट्रांसमिशन एटसेट्रा। तो मींस हैवी मशीन्स में जहां पे हाई टॉर्क ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होता है वहां पे भी कोन क्लच का उपयोग किया जाता है। इसके बाद रेसिंग बोट्स में भी यूज होता है, एंड रेसिंग एंड रैलिंग व्हीकल्स में भी कोन क्लच का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोन क्लच। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।